सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में बहुत सारी स्टोर्स का हम बात करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी में। आज करना है एल्विश यादव के बारे में। सो कल एल्विश यादव ने अपने चैनल पे एक रोस्ट अपलोड किया जो कि बेसिकली टिकटॉक पे था, एंड अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ने उस वीडियो को डीमोनेटाइज कर दिया। सो इसी चीज पे रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव कुछ ये कहे। भाई यूट्यूब ने मेरी वीडियो डीमोनेटाइज कर दी है, मैं अब दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, ये देख लो तुम। तो इसका मतलब होता है अब तुम्हारी वीडियो की रीच भी रुक जाएगी, तो इससे बढ़िया कि थोड़ा समझ रहा हूँ एक बार दोबारा अपलोड करके देख लूँ, क्या पता ये ठीक हो जाए। तो भाई एक बात तो पक्की, यूट्यूब को इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ दिख गया जो भाई वीडियो से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मेरे को लगा था कि मतलब अभी तो डाली है कि बहुत ज़्यादा चलेगी, मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना तुम भी, बट डीमोनेटाइज कर दी यूट्यूब ने, पता नहीं क्यों करी। ये देखो, ये दिखाता हूँ तुम्हें। अगर ये हरा डॉलर होता तो इसका मतलब होता कि वीडियो नॉर्मल है, और बट इसमें लिमिटेड आ गया तो इसकी रीच रुक जाएगी वीडियो की, तो गलत होगा। एंड या ऑल्सो एल्विश यादव को यूट्यूब पे 4 years कम्प्लीट हो चुके हैं। सो या मैंने कंग्रेचुलेशन टू एल्विश यादव। सो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी में। आज करना हूँ साहिब नूर सिंह के बारे में। सो साहिब नूर सिंह के यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 1.4 million सब्सक्राइबर्स है। सो उन्होंने रिसेंटली में अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स का डिफरेंस बताया। तो 2 दिन पहले जब उन्होंने अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स चेक किए तब उनके सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट इतने थे, एंड आज जब उन्होंने चेक किया तो सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बजाय घट गए थे। तो इसी चीज पे रिएक्ट करते हुए वो यूट्यूब से कहे कि सेम चीज उनके सेकंड चैनल के साथ भी हो रही है, एंड होप इस चीज को यूट्यूब टीम जल्दी ही फिक्स कर पाए। सो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी में। आज करना हूं आशीष चंचलानी के बारे में। सो ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आशीष चंचलानी की न्यू वीडियो आ चुकी है उनके चैनल पे, एंड इसी चीज पे उन्होंने अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट भी की, तो आप खुद देखिए उन्होंने क्या कहा। गाइस मैं ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए प्लीज जेन्युइन कमेंट्स करो ना, वीडियो कैसी लगी, कौन सा सीन अच्छा लगा। ये लाइक्स 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 देख के बोर हो गया गाइस, प्लीज। 2-3 महीने बाद ऑलमोस्ट वीडियो डाली है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आज करना हूं आमिर सिद्दीकी के बारे में। सो अगर तो आपको याद होगा कि आर्य मिनाटी ने अपने वीडियो YouTube वर्सेस TikTok में आमिर सिद्दीकी का रोस्ट करते हुए कुछ ये कहा था। Instagram पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, क्योंकि हम अपने Instagram पे ये बकचोदी नहीं करते। #fashionshow#fashionweek#cool#wehearted#gentleman #skirt ये होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, है ना साले, तुझसे ज्यादा मर तो दीपक कला लगता मुझे। सो इसी चीज पे रिएक्ट करते हुए आमिर सिद्दीकी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जॉन अब्राहम की एक फोटो शेयर की है, एंड कैप्शन में लिखे व्यूज एंड लाइक्स के लिए #skirt यूज करो या पहनो, अ मैन विल स्टिल बी अ मैन। सो आपका क्या कहना है इस चीज पे मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी में। आज करना हूं एमए बंटाई के बारे में। सो उनको उनके यूट्यूब चैनल के लिए डायमंड प्ले बटन मिल चुका है। सो या मैनी कंग्रेचुलेशन टू एमए बंटाई। सो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी में। आज करना हूं हिंदुस्तानी भाव के बारे में। सो कल हिंदुस्तानी भाव इंडिया न्यूज पे लाइव थे, जहाँ डिबेट हो रही थी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, जहाँ वो काफी चीजों के बारे में बात किए, एंड इसी चीज पे रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहे इंडिया न्यूज पे तुम्हारा भाव, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ देकर रहेंगे, जय हिंद। सो अब चलते नेक्स्ट स्टोरी में। आज कर रहा हूँ टिकटॉक बैन के बारे में। सो जैसा मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया कि US में गवर्नमेंट लेवल तक टिकटॉक को बैन कर दिया गया, बट नाउ टिकटॉक विल बैन इन द एंटायर कंट्री। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना है, वहां के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो टिकटॉक को बैन कर देंगे, एंड US सिक्योरिटी ने इसका कारण बताया कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ByteDance उनके लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही थी। सो ऐसे में अब ऑफिशियली टिकटॉक बैन हो जाएगा US से। सो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो या दैट्स इट फॉर टुडे इस वीडियो। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर देना। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।